हेलो दोस्तों, आज हम सब लोग निकले हैं घूमने के लिए गुरुद्वारा पौठा साहिब। और हम सभी लोग हाई कर रहे हैं यूट्यूब फैमिली के लिए। ये है मेरे जेठ जी, जेठानी जी, अद्रित, मेरी सासू जी अद्रिका और मैं। अब हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारा के अंदर, जहाँ पे कि ये बहुत बड़ा ढोल है। अद्रित और अद्विका इसको बजा रहे हैं और ये हैं सासू जी। यहाँ पे बाबा साहेब के नाम का जो जला हुआ है, ये है गुरुद्वारे के अंदर का नज़ारा। हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ये है बाबा साहेब के अस्त्र शस्त्र। इनको पूजा जाता है। सभी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये अद्री का माथा टेक रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। तरीके से सबको देख रही है और तब जाके कर रही है अद्विका। अब ये अद्विका और अद्री दोनों भाई बहन गुरुद्वारा के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और हमने इन दोनों भाइयों की ट्विनिंग की है, मतलब अचानक से ही हो गया। मैंने अपने तरीके से इसके कपड़े पहना दिए और अद्री को दीदी ने, और दोनों भाई बहन की ट्विनिंग हो गई है। अद्रित अपनी बहन को हग कर रहा है और बड़े खुश थे दोनों बच्चे। हम लोगों ने भी थोड़ा सा प्रार्थना की, यहाँ पे बैठे बाबा साहेब के ध्यान में। दीदी जी जी, और अब हम लोग लंगर में लगे हुए थे, जहाँ पे कि हलवा मिला हम लोगों को। लाइन में लगने के बाद ये है झंडा साहेब। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, मैंने इनकी थोड़ा सा वीडियो दे दी है। मैं थोड़ा डर डर के बना रही थी, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के हाथ में इस तरीके से दिखा नहीं था कि कोई वीडियो बना रहा हो, इसलिए मैं ना चुप चुप के और डर डर के बना रही थी। अब हम लोग आ गए हैं लंगर में, हमने वहाँ पे खाना खाया और ये बच्चे बड़े मस्त थे, खुश होके यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। अद्रित भाग रहा है और अद्रिका उसके पीछे भागे जा रही है इस तरीके से। और गुरुद्वारे की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे बहुत स्वच्छ साफ होता है और बहुत सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे खिले हुए, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, मैं चुपके से ले रही हूँ, मतलब डर के इस तरीके से। चारों तरफ फूल ही फूल थे, हजारों प्रकार के। अब हम लोग आ चुके हैं लंगर में, जहाँ पे हमें कढ़ी चावल और रोटी और खीर मिली थी। इस तरीके से लंगर में बैठे और इसके अब दीदी का, जेठ जी का और अद्रित का मन किया गोला खाने का, तो फिर दीदी ने भी खा लिया। इस तरीके से अब हम लोग जा रहे हैं नदी की ओर। अद्विका अद्रित लगे हुए हैं और ये है दीदी गोला खाती हुई। और दीदी कह रही थी मुझे कि
मेरी वीडियो बना और सबको बताना कि मेरी जेठानी गोला खा रही है। तो देख लीजिए, खा रही है गोला और जा रहे हैं नदी में। अब हम लोग नदी में आ चुके हैं और ये बहुत ही गहरी नदी है, लेकिन जगह बहुत ही अच्छी है। मतलब घूमने के लिए कोई आना चाहता है तो आ सकता है, बहुत ही अच्छी जगह है। इस तरीके से ये थी बहुत ही गहरी नदी, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे अद्वित और अद्वित के पापा पानी में मस्ती कर रहे हैं और इधर की साइड अद्विका की दादी अद्विका को पानी में खिला रही हैं। इस तरीके से अद्विका खुश हो गई। अब मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं नदी में न गिर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दादी के साथ ही हो। अब इन दोनों भाई बहनों की मस्ती देखिए, रेत में दोनों खेल रहे हैं और दोनों ने घर जाने का नाम नहीं लिया। अद्वि और अद्रित रेत के छोटे छोटे घर बना रहे हैं, लेकिन उनसे बन नहीं रहे, लेकिन बच्चे पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे। और अब ये लोग मान गए हैं घर जाने के लिए। और अद्विका ने बोला, मैं अद्रित की तरह ही खुद सीढ़ियों से जाऊंगी। इस तरीके से वो चली रही है और फर्स्ट टाइम अद्विका इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी है। ये देखिए, दोनों हाथ और दोनों पैरों से चल रही है। और अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, टाटा बाय।